कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की सांसें थमने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते शमशान घाटों में लकड़ियों का संकट गहराना शुरू हो गया है। लकड़ियों की कमी को देखते हुए प्रदेश भर से वन विभाग के पास 13,950 क्विंटल लकड़ियां उपलब्ध करवाने की डिमांड आई है, जिसमें वन विभाग की तरफ से 1,618 क्विंटल लकड़ियां उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। पर्याप्त मात्रा लकड़ियां उपलब्ध न होने से इनकी कमी लगातार बरकरार है। लकड़ियों की कमी को देखते हुए साइबर सिटी गुरुग्राम में लोगों ने अब अंतिम संस्कार के लिए गाय के गोबर से बने उपलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शहर के 2 कोविड शमशान घाटों पर गौशालाओं से गाय के गोबर से बने उपलों की खेप पहुँचनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से बढ़ती मौतों के बाद से अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की डिमांड बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण जंगलों की कटाई होने लगी थी और पर्यावरण को लगातार भारी नुकसान हो रहा था। रोज कॉल आ रहे हैं लकड़ी वालों के, मैं ही लकड़ी नहीं मंगा रहा, जगह ही नहीं मेरे पास लकड़ी। आप खुद वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या उपले वगैरह, तो वो गाँव वाले आदमी होते हैं, जो शहर का आदमी उपले वगैरह ये चीजें तो देख के, क्योंकि वो पुरानी प्रथा है, आजकल मॉडर्न हर हो गए हैं, तो वो जल्दी से जल्दी जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जाते हैं, LPG जाते हैं, तो वो गोबर पे यहाँ जाके क्यों वो करेंगे। ये गाय के उपले जो आए हैं ना, ये गौशाला की तरफ से आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई खर्चा गौशाला में भी दिक्कत होती है, भाई लकड़ी की खपत ज़्यादा हो रही है जैसे इस टाइम, तो उन्होंने कहा शायद ये संस्कार में लगने शुरू हो जाएंगे तो गौशाला का खर्चा भी निकलता रहेगा। वहीं इस मामले में पर्यावरणविद भविष्य की माने तो अंतिम संस्कार में गाय के गोबर के उपलों के इस्तेमाल से दूषण का स्तर काफी कम किया जा, जंगलों में लगातार होते लकड़ियों के कटाव को भी कम किया जा सकता है। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार में गोबर से बने उपलों का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर किया जा रहा, और अब जिस तरह से कोरोना महामारी में लकड़ी की डिमांड बढ़ने लगी है, तो ऐसे में गौशालाओं से गाय के गोबर से बने उपलों का प्रयोग कर गौशालाओं में आर्थिक मदद के साथ साथ प्रदूषण स्तर को कम करने की दिशा में काम किया जा सकता है। अंतिम संस्कार में गाय के गोबर से बने उपलों के इस्तेमाल का यह कोई पहला प्रयोग नहीं है, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी गाय के गोबर के उपलों का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।